हेलो, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश इन्फॉर्मेशन। मैं अजय कुमार बाथम हाजिर हूँ आपके लिए एक वीडियो लेकर जो कि बेस्ड है टाइप्स ऑफ मीट में। यानी कि मैं आज आपको मीट से रिलेटेड सिनोनिम्स और उनसे रिलेटेड वर्ड्स बताऊंगा। अक्सर आपने मेडिसिन में पीछे लिखा हुआ देखा होगा, मूवीज़ में देखा होगा, लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया कि एक्चुअल में उनका मतलब क्या होता है। तो आज का वीडियो पूरा देखने के बाद, अंत तक देखने के बाद, आज आपको पता चल जाएगा कि हर मीट में किस वैरायटी में क्या क्या नाम उनके होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला है बेकन। बेकन मीन्स सुअर का मांस। बीफ यानी कि गाय का मांस। बुश मीट द मीट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवरों का मांस। चिकन मुर्गे का मांस। क्रैब केकड़े का मांस, उसको बोलते हैं क्रैब मीट। डार्क मीट यानी कि डार्क मीट, मीट फ्रॉम ए पार्ट ऑफ अ बर्ड यानी किसी बर्ड का यानी चिड़िया के पार्ट का कोई जो मीट होता है उसको बोलते हैं डार्क मीट। जैसे कि लेग, जो कि उसकी रेस्ट बॉडी से थोड़ा सा डार्क होता है, इसीलिए इसको हम डार्क मीट बोलते हैं। और जो लाइटर मीट होता है उसको हम वाइट मीट बोलते हैं। फिर है डक। डक मीन्स होता है बतख का मांस। गूज, जो बतख के बच्चे होते हैं उनका मांस यानी कि गूज। ग्राउंड बीफ, जिसको हम कीमा कहते हैं, जिसको अमेरिकन इंग्लिश में हम बोलते हैं ग्राउंड बीफ। हॉर्स फ्लैश, घोड़े का मांस। लैम्ब यानी कि मीट फ्रॉम ए यंग शीप, यानी कि जो यंग शीप होती हैं यानी भेड़ के जो यंग बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं। फिर उसके बाद में लीन यानी कि मीट जिसमें बहुत ही कम फैट होता है उसको बोलते हैं मीट। किसी भी एक पर्टिकुलर टाइप को आप बोल सकते हो मीट, यानी कोई भी मांस हो उसको आप मीट कह सकते हो। मीट बॉल यानी कि मीट जो मांस जिसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाएं, फिर उसको गोल बॉल के शेप में करा जाए और उसके बाद उसको पकाया जाए तो उसको मीट बॉल बोलते हैं। मीन्स कीमा यानी कि स्पेशली ये बीफ का होता है और अमेरिकन इंग्लिश में इसको ग्राउंड बीफ बोलते हैं। मीन्स मीट यानी कि कबाब वाला यानी कीमा वाला मीट। मटन यानी कि एडल्ट शीप यानी भेड़ का जो मीट होता है उसको मटन बोलते हैं। पार्ट्रिज, तीतर का जो मांस होता है उसको पार्ट्रिज बोलते हैं। इसके अलावा तीतर के मांस को हम फीजेंट भी बोलते हैं, द मीट फ्रॉम ए फीजेंट यानी तीतर का मांस। पोक, पोक और बेकन दोनों सेम होते हैं सुअर के मांस को। पोल्ट्री यानी कि बर्ड्स का जो मांस होता है जैसे कि चिकन है उसको बोलते हैं। क्वेल यानी कि ऐसी बर्ड जो खाई जाती है उनको क्वेल बोलते हैं। रैबिट यानी कि खरगोश के मांस को। रेड मीट, रेड मीट स्पेशली बीफ यानी कि गाय के मांस और लैम्ब का होता है जो कि पकने से पहले यानी पकाने से पहले वो रेड कलर का होता है, इसके लिए उसको रेड मीट बोलते हैं। और पकाने के बाद उसका कलर चेंज हो जाता है इसलिए उसको व्हाइट मीट बोला जाता है। स्टीविंग स्टिक यानी बीफ का ही ये होता है यानी गाय के मांस का होता है जो कि स्ट्यू में पकाने के ज़्यादा सुटेबल होता है इसलिए उसको स्टीविंग स्टिक बोलते हैं। स्ट्रीकी बेकन ये भी सुअर का ही मांस का पार्ट होता है जिसमें लाइंस होती हैं फैट की इसलिए उसको स्ट्रीकी बेकन बोलते हैं। टर्की, टर्की एक बर्ड है और उसके मांस को बोलते हैं टर्की मीट। फिर है व्हील। व्हील मीन्स होता है मीट फ्रॉम ए यंग काउ यानी बछड़े का मांस। वेनिसन हिरन के मांस को कहते हैं। व्हाइट मीट जैसा कि मैंने पहले भी बताया था चिकन और पोक का जो मीट होता है जो कि पकने के बाद जिस कलर चेंज होता है उसको बोलते हैं व्हाइट मीट। फिर तो आई थिंक दैट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। And thanks for watching.